हाथरस के नगला भूज पर दुर्घटना में घायल हुए किशोर की उपचार के दौरान हुई मौत, परिजनों ने थाने पर काटा हंगामा। आपको बता दें कि 13 अगस्त की दोपहर को एक किशोर दिव्यांशु निवासी गांव मीतई थाना चंदपा की दुर्घटना में मौत हो गई, जिसमें परिजनों का उसके ही 4 साथियों पर आरोप था कि साजिशन किशोर को दुर्घटनाग्रस्त किया गया है। वहीं आज सुबह आगरा के एक अस्पताल में उपचार के दौरान घायल किशोर की मौत हो गई, जिसके बाद परिजन किशोर के शव को चंदपा थाने पर ले गए और सैकड़ों की तादाद में ग्रामीण चंदपा कोतवाली पहुंच गए और थाने में शव रखकर करीब 4 घंटे तक हंगामा किया और महिला पुरुष सहित लोगों ने पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद के नारेबाजी करना शुरू कर दिया। इस बीच पुलिस और लोगों के बीच झड़प भी हुई। परिजनों की मांग थी कि दुर्घटना और साजिशन हत्या में दर्ज किया जाए और सभी आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए और घटना में शामिल स्कॉर्पियो गाड़ी को बरामद किया जाए। पुलिस के आला अधिकारी हंगामे की सूचना पर थाने पहुंच गए, जिनके द्वारा परिजनों को समझाने का काफी प्रयास किया गया, लेकिन परिजन अपनी मांग पर अड़े रहे। पुलिस ने मुकदमे को हत्या में तरमीम कर दिया है। गोपी कृष्ण हॉस्पिटल चिकित्सा के क्षेत्र में मथुरा का अग्रणी हॉस्पिटल एवं पहला टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर है। IVF में 70% सफलता, स्त्री रोग विभाग में हाई रिस्क डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन, हिस्टेक्टोमी आदि बेहद अनुभवी एवं क्वालिफाइड लेडी डॉक्टरों द्वारा किए जाते हैं। हड्डी रोग विभाग की एडवांस यूनिट जहां पर जोड़ प्रत्यारोपण यानी कि घुटना रिप्लेसमेंट, कूल्हा रिप्लेसमेंट, रीढ़ की हड्डी के ऑपरेशन एवं फ्रैक्चर होने पर प्लास्टर, सरिया या प्लेटिंग आदि की सर्जरी की जाती है। हर प्रकार की जनरल सर्जरी एवं दूरबीन विधि से हर प्रकार के लैप्रोस्कोपिक ऑपरेशन, बच्चों के हर प्रकार के रोगों का इलाज हॉस्पिटल NABH से मान्यता प्राप्त है। मॉड्यूलर OT एवं हाईटेक मशीनों से फिजियोथेरेपी, एम्स दिल्ली एवं CMC बेल्योर द्वारा सर्टिफाइड पैथोलॉजी। गोपी कृष्ण हॉस्पिटल में आयुष्मान कार्ड, ESI कार्ड, BSNL के कार्ड, रेलवे के कर्मचारियों के कैशलेस इलाज की सुविधा, लगभग सभी इंश्योरेंस कंपनियां एवं TPI कार्ड धारकों को कैशलेस इलाज की सुविधा।